सुबह का सिम्बा बेबो का खेल देखे, बुला रहा है। ये दोनों जब डेली मतलब डेली सुबह खेलते हैं तो खेलने के बाद ना ये सोफा पूरा सफेद हो जाता है उनके फर से, तो वो पूरा एक बार क्लीन करना पड़ता है, सुबह एक टाइम शाम को एक टाइम। तो सुबह का मैंने क्लीन कर लिया है बट फिर भी ये और भी खेलने के मूड में मुझे लग रहे हैं, तो पता नहीं, देखते हैं फिर। तो अभी मैं आ गई हूँ सुपरमार्केट, ऐसे ही कुछ छोटा मोटा सामान घर पे ख़त्म था तो वही लेके फिर मैं जाऊँगी हनी बनी को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे है, उनका जल्दी छुट्टी हो जाता है। फ्रेश जूस रखे हैं यहाँ पे, वाटरमेलन का, एवोकाडो का, मैंगो का, पाइनएप्पल का, तो मैं सोच रही हूँ कि वाटरमेलन का ले जाती हूँ। एक सिम्बा बेबो के लिए भी ले जाती हूँ खाना। सो गाइस, बहुत दिन हो गए मैं ऐसे गाना वाना नहीं गाया है। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ बट हाँ, मुझे गाना गुनगुनाना अच्छा लगता है। एंड कभी कभी मैं ऐसे कुछ गाना रिकॉर्ड करके ना अपने दूसरे चैनल पे डाल दिया करती थी, बट बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 2 साल हो गया, 1-1.5 साल हो गया मैंने डाला नहीं है अभी तक कुछ भी। कुछ दिनों पहले मैं ऐसे ही गाड़ी चलाती, नॉर्मली मैं गाड़ी चलाते हुए गुनगुनाती हूँ, तो कुछ दिनों पहले मैं गाड़ी चलाते टाइम गाना गा रही थी, तो कुछ कुछ कमेंट्स आए थे कि दीदी आप गाना क्यों गाना छोड़ दिया। छोड़ा नहीं है बट हाँ, रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। तो ओडिशा का एक गाना, मुझे ओडिया गाना मुझे बहुत पसंद है, झूमी झूमी वाला, तो अगर थोड़ा सा मैं गाती हूँ अभी। भोला पाए बोली सुनार पंजरी छाड़ी मुआसिली बांधी ने लामोते तम प्रीति बंधन झुमी झुमी तुम साथे नाचे मो मन झुमी झुमी तुम साथे नाचे मो मन सुनार चढ़े उड़ी उड़ी आसी लुह पुछी से तो दी गला खुशी सी खुशी नहीं हसी आम जीवन झुमी झुमी तुम साथे नाचे मो मन झुमी झुमी तुम साथे नाचे मो मन Nothing. No, no, I might put my face here. Here, just softly. Do again. No, chair, on chair. Rock. वो कभी भी स्क्रैच नहीं करती है, वो बच्चों के साथ खेलती है तो बस सॉफ्ट अपना पॉज लगाती है, कभी भी स्क्रैच नहीं करती। She touched us, she scratched. Vivan, tell me. She touched. No, yes, she will never scratch. No, no, on the chair.
सो फ्राइडे को ना उनको बुक्स वगैरह मिलता है, कुछ कुछ बुक्स, कुछ में तो होमवर्क मिलता है जो वो करते हैं, बाकी ऐसे नोटबुक्स वगैरह कभी कभी दे देते हैं, जैसे उनका क्या पढ़ाई होता है, बच्चों ने क्या मतलब क्या पढ़ाई की है, वैसे वीकली नोट उनका आ जाता है कि ये पढ़ाई हुआ है स्कूल में, बट बच्चे कितना क्या उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसीलिए वो कभी कभी नोटबुक्स दे देते हैं। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो मेंशन करते हैं कि हाँ इस चीज़ का उसको क्लियर है, वो आता है, किस चीज़ में प्रैक्टिस की ज़रूरत है, किस चीज़ में वो कंफ्यूज होता है, तो प्रॉपर नाम लिख के वो मेंशन करते हैं। तुझे क्या काम है? मैडम ओए मैडम What are you doing here? चलो study. तो वही सब उनका मैथ्स का मिला है, तो मैं वही देख रही हूँ, तो मैं उसी हिसाब से उनको फिर पढ़ाती हूँ अगले, मतलब नेक्स्ट वीक में इसी चीज़ को सब प्रैक्टिस करवाऊँगी उनसे, एंड जो जो ये सब जो बुक्स दिया है वो सब भी मैं मतलब वही चीज़ में फिर मैं पढ़ाती हूँ, मतलब एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ये वीक उनको ये पढ़ाया गया है तो मैं उनको वही सब प्रैक्टिस कराऊँ। तभी ये अपना कर रहे हैं साइंस का, चलो फटाफट फिनिश करो, देन वी विल हैव फूड। 2022 इट्स ओके, लेट इट बी, यू फर्स्ट फिनिश दिस, देन वी गोइंग टू प्ले। हां ओके, फर्स्ट टू फिनिश फूड, फिनिश योर स्टडी होमवर्क। सो गाइस आज है फ्राइडे, रात के 12 बज रहे हैं, हम लोग कहीं बाहर नहीं गए थे, अजीत को थोड़ा कुछ काम था, वीकेंड है आज, एंड थोड़ा सा दुख भी था इनको बहुत ज्यादा। दुख साला फूक गया, दुख नहीं हुआ, कल इंडिया हार गई यार। क्या प्लान था आपका संडे का? मैं सोच रहा थोड़ा सा लाके मटन वटन बनाएंगे, फिर उसके बाद मैच देखेंगे, फिर इंडिया को जिताएंगे, फिर झंडा लेके बाहर जाएंगे, तो ये तो कांड ही हो गया। मतलब यार इंडिया पाकिस्तान जैसा बढ़िया फाइनल कहीं हो सकता था, बट ठीक है दूसरों को मौका देते रहना चाहिए, हार जीत तो लगी रहती है। यही है वो लड़की जो मुझे अभी बैठ के सांत्वना देती है, बोल रही है अरे दूसरों को मौका दिया इंडिया ने इस बार, और क्या ही बोले, और क्या बोल सकते हैं हम, तो यही है गाइस, एंड बस हम लोग आज बाहर कहीं नहीं गए थे, हमें पैसिफाई करने के लिए संग्राम माया आ रहे हैं, हम लोग संग्राम माया अपना, हम लोग इंडिया के हारने के दुख में बैठे हुए थे, उन्होंने बोला हम आते हैं, वो एक्चुअली संग्राम तो लेट ही आया होगा, तो डिनर करने गए थे दोनों, अभी बोल रहे हैं कि नीचे आ जाओ चाय वाय थोड़ा पी के आते हैं, वैसे भी कल छुट्टी है तो लेट उठेंगे चलेगा, तो चाय एक कप चाय पी के आते, कपड़े तो पहन लो, छोड़ो वो आ गए होंगे नीचे, चलो कपड़े तो पहने हुए हैं, मैं खाली टी शर्ट बनियान में बैठो, इसलिए तुम्हें दिखा दीजिए कपड़े पहने के, ऐसे थोड़ी हूँ नंगा थोड़ी हूँ, क्लोज टू वो ही हो, हाँ तो वैसे तो हर बंदा रहता ना घर में, ऐसे नहीं ऐसा लगता है। गाइस आप लोग ये बताना कि आप लोग कितना क्लोज टू रहते हैं घर पे, आपको अगर मैं दिखा दूँ ना सब लोग बोलेंगे ऐसा कोई नहीं रहता। चलिए गाइस बंद कर देती हूँ, इंडिया हार गए तो जीत बैठ के 83 मूवी देख रहे थे, थोड़ा अपने आप को शांत कर रहे थे। हाँ तो भाई उसमें हमने फिर फाइनली इंग्लैंड को सेमीफाइनल्स में हराया, तब जाके मुझे चैन आया, अब जाता हूँ मैं थोड़ा बाहर घूमने। बेचारा मैं तो फ्लाइंग बीस्ट को मतलब बहुत तरस आ रहा है, बेचारा ऑस्ट्रेलिया गया है इंडिया फाइनल देखने के लिए, तो ये लिख के गया था मैं फिर से जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को जिताने के। अरे आ गए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता ना माया को ना इन दोनों को, मुझे भी नहीं। मैं तो कल काम पे भी देख रहा था। संग्राम आज कैसे तो लेट प्राणी है, थोड़ा जल्दी आज थोड़ा आज मॉर्निंग होगा ना उसका, मॉर्निंग का आज, हाँ हाँ ये हफ्ता मनी मैन जाना ही करना है इसका, गड़बड़ फलूदा सब गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है, मेरा तो चाय आ गया, मुझे नहीं मैं चाय पी रही हूँ, दूध फट जाएगा पेट में, सुनो उनको दो वो बना मामू माई का सारा देना, अच्छा है ना मामू माई का, रात के 1 बजने वाले हैं और बाहर भीड़ देखिए,
सब लोग खाना पीना चल रहा है सबका। हर वीक हाँ डेली, मतलब वीकेंड नहीं डेली है। देखो शॉप्स वरना 24 घंटे क्यों खुले होते हैं, लोग खाते होंगे तभी तो ना। संग्राम के नाक भी मैंगो खा लिया वो तो सब सब कुछ अच्छा हो गया, बट मौसम सही नहीं हो रहा है, पता नहीं हो रहा है। नॉर्मल हो गया है बट ठंडा नहीं हो रहा है। अभी तक तो एक पतला स्वेटर की जरूरत पड़ती है ना, पतली सी स्वेटर के, अपने वो सब गर्मी लग रही है। ग्लोबल वार्मिंग। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम, गुड आफ्टरनून गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। फाइनली जीत आज मुझे लेके जा रहे हैं, 2 साल बोल बोल के क्या जब वो किस चीज का, आप ही बोलो इसको बोलते हैं फेस लेजर ट्रीटमेंट। तो मैं क्या पहले एक बार जरा डॉक्टर के साथ में थोड़ा सा दिखा के आए कि हम ये फेस जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो बताएगा कि कितना सही है कितना नहीं है, फेस पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं गया यार बार बार जाके पार्लर में बैठते से बेटर कि एक ही बार में करा गया। तो ये जो मेरा हार्मोनल इंबैलेंस जो प्रेगनेंसी में हुआ था ना, ये हमारी वजह से जो तुझे हुआ है ना, तो उसका जिम्मेदार मैं अपने आप को मानता हूँ। तो ये मेरी ना दाढ़ी आने स्टार्ट हो गई और वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ठीक है, इससे पहले बकरी ऐसी दिखे इसको वापस अर्चना बना दिया जाए। तो इसीलिए अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर पहले देखेगा कि हाँ क्या कैसे ट्रीटमेंट करना है, फिर मैं सेशन लेना जो है वो स्टार्ट करूंगी। वैसे हमने पता तो किया है बट एक बार डॉक्टर को दिखा के फिर प्रॉपर। मैं तो बोला था छोड़ डॉक्टर, मेरा शेविंग किट पड़ा है डेली लगा खड़ा कर। वैसे तेरे 4 बाल आ रहे हैं, 4 बाल के लिए क्या इतना है? आप लेके जा रहे फिर शेविंग किट कौन सी बात आ गई? तो भाई मजे भी तो मैं लूंगा ना थोड़े से। चलो चलिए गाइस, हम लोग देखते हैं कैसे। लेकिन मेरे को सबसे पहले ये देखना है क्योंकि ये तो मानती नहीं है, मैंने कहा इसलिए पहले सबसे पहले मैं डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछूंगा। डर्मेटोलॉजिस्ट मेरे को क्या बोलता है कि हाँ स्किन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता कुछ चीजें। मैं जो भी इसको ऑनलाइन स्टडी करता रहता हूँ, सब स्टडी करके इसको लेके जा रहा हूँ फाइनली। सो लेट अस सी, सारी चीजें सेट होती हैं तो विल बी रेडी। चलो चलिए। सो गाइस हो गया, कंसल्टेशन भी हो गया और मेरा एक सेशन भी हो गया। सो गाइस कंसल्टेशन का मैं देख रहा था, बढ़िया है, रिजल्ट अच्छा आता है, तो आप लोगों को भी बताता हूँ। देविका ने किया है यहाँ पे, उसका 3 सेशन हो गया है। हमने मतलब 6 सेशन ही रहता है मिनिमम, 6 सेशन हमने अभी बुक किया है। तो फर्स्ट सेशन मेरा हो गया, नेक्स्ट सेशन जो होगा वो नेक्स्ट मंथ होगा। एवरी मंथ एक एक सेशन ही होगा, 10 मिनट का ही कुछ होता है, टक 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 कुछ जैसे चींटियां काटती है ना वैसे ऐसे लगा। वहाँ पे ऑब्वियसली वीडियो वगैरह लेना अलाउ नहीं है, आप हिल भी नहीं सकते हो, मतलब वो जब लेजर कराते हैं ना इन आंखों पे इफेक्ट आएगा। मैंने बोला मेरे पति को थोड़ा अलाउ करो वो वीडियो ले लेंगे, बट उन्होंने बोला नॉट अलाउड नहीं है। बताओ कोई बात उनको नहीं पता नहीं है ना कि मैं कौन हूँ उन्होंने इनको पूछा जब मैडम करा रही आप कुछ सर करा लो, क्योंकि मैं क्या करूँ मैं अपनी दाढ़ी जलवा दूँ क्या साला, मतलब कुछ भी दांत का उसने इसीलिए बोला क्योंकि आपके दांत पीले हो गए, दांत साफ करा लो यहाँ पे। ऐसे भी कोई पीले नहीं, दांत साफ करा लो। वो यार 100 रुपए में कहीं भी हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे भी 100 कितना लेगा, बट काफी बड़ी क्लिनिक है ना। हाँ, मैं देखा अंदर से बहुत बड़ी, मतलब ऊपर नीचे बहुत बड़ी क्लिनिक है। तो ऐसे नहीं जाएं, समझ में आए उसके बाद जाएं। हम लोग समझ लेते हैं क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड अच्छा रहता है तो बताते हैं। हाँ, ऑब्वियसली मेरा अभी 6 महीने में रिजल्ट पता चला, 6 महीने के बाद प्रॉपर जो रिव्यू है वो मैं दे सकती हूँ क्या क्या रहा कैसा रहा। So let's get that review and then we'll let you know. तब तक चलते हैं बेबा सिंबो कह रहा हूँ। बेबो सिंबा बेबो का आज स्टेज निकालना है, बल्कि कल निकालवाना था बट कल ये बिजी थे। पहले डॉक्टर को फोन करके अपॉइंटमेंट तो ले लूं। उनको आज डॉक्टर चेकअप कराना है, मतलब वो उनके सर्जरी के बाद। देखो मैं बोल रहा हूँ फोन रखा। अरे मैं कह रहा हूँ पीछे से गाड़ी आ रही है भाई। अच्छा चलिए गाइस हम बेबो सिंबा को लेके चलते हैं, फिर मिलते हैं वहां डॉक्टर के पास। आगे मेरे आज थोड़ा डर रहे होंगे ना। हाँ वही तो। अरे सिम्बा पहले मैंने पूछा सिम्बा मतलब भाग गया बाथरूम और वो उसके नीचे
क्या नाम है ड्रॉअर के नीचे छुप गए। लास्ट टाइम जो हुआ था ना उनको डर बैठ गया होगा कि कहाँ लिखी। बेबो को तो पता नहीं, बेबो को अभी जाते नहीं, वो बाथरूम के अंदर दरवाजा हल्का क्लोज था, वो मैं बेबो को हर जगह ढूंढ लिया मिला नहीं, फिर मैं चिल्ला रहा हूँ बेबो मैं किधर आ रही है, देखा बाथरूम के अंदर घुस गई बेबो को। सॉरी ईद दे ईटिंग फूड नॉर्मली इट्स नॉट राइट। चुंबो चुंबो ओलो ओलो नॉर्मल नो फेवर नॉर्मल तो गोटे धरिक लगे दब अंटमेंट कौन ओलो 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 धर 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 नॉट नो 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 वेट वेट बेबो नथिंग विल हैपन नथिंग उसका वो फोटो देख ओके बेबो बेबो लाई डाउन शी विल बी जस्ट लाई डाउन वी वांट टू मेक योर एनी जस्ट आई वांट टू सी यस नो नो डोंट वरी जस्ट इट्स पेनफुल फॉर आई नीड टू चेक डोंट वरी सी डोंट हैव एनी fluid everything normal here normal? Everything closed everything closed yes. So no medicine 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 yes. Oh cho 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 medicine just oh 4 kg 4 only 4 kg 4.0 na wait bebo bebo wait bebo wait 2.9 Now you are hero. No, be like that. So guys, हो गया है बेबो का स्टिच रिमूव हो गया है एंड दो स्टिच उसको लगे थे ना एक रिमूव हो गया है एक भी और दूसरा भी रिमूव कर देते हैं बट वो उन्होंने बोला कि अगर और एक दो दिन रखना चाहते हो तो रख लो तो उसका रहेगा। सिम्बा का वो जो ओपनिंग है ना तो वो जल्दी हील करने के लिए क्योंकि वो जैसे ज्यादा फरी है ना वो एंड सुसु पॉटी करते टाइम वो धूल वगैरह वो सैंड वगैरह उसके अंदर ना जाए उसका होल तो उन्होंने बोला कि दो स्टिच डाल देते तो वो जल्दी हील हो जाएगा तो दो स्टिच डाल दिया ना तो उसमें फिर मेडिसिन वगैरह थोड़ा लगाना पड़ेगा दिन में एक बार फिर ऑइंटमेंट दिया है तो उसके लिए वो उसको चाटे नहीं वो स्टिच को फिर उसको कॉलर लगा दिया ये बेबो का कॉलर निकालने की कोशिश कर रहा था कुछ दिनों पहले कर रहा था अपने दांत से हाथ से बेबो का कॉलर कॉलर तेरा निकाल देता है खुद का इतने बड़े इतना बड़ा माइक लग गया इसके तो अभी 3-4 दिन उसका कॉलर रहेगा और फिर 7th डे पे उसका स्टिच भी निकाल देंगे। ऐसा कुछ जरूरी नहीं था बट उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हो कुछ और इन्फेक्शन वगैरह ना हो तो लगा स्टिच डाल देते हैं। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो बस हो गया सारा काम दोनों ही परफेक्ट है दोनों हेल्दी है। सिम्बा मोटा दिखता है बट उसने बोला कि ये बिल्कुल परफेक्ट है उसके उसके हिसाब से। सिम्बा 4 किलो का है वो 3 किलो की है बट बेबो को बोला कि उसका थोड़ा सा पेट में फैट है बट सिम्बा का नहीं है जबकि सिम्बा मोटा लगता है बट बेबो का थोड़ा फैट है उसका और ये सर्जरी के बाद वो थोड़ा और भी वेट गेन करेंगे तो थोड़ा उनको खाने पीने का थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा या तो एक्सरसाइज कराओ उनको भगाओ उनको चलो इनको लड़के जॉगिंग जिम ज्वाइन करा दो चलो माँ बेटे सब माँ बेटी हमारे घर में सारे लड़कियां ही मोटे हैं लड़के सारे पतले लड़के कहाँ पतले हैं बेबो को भी बोला ना कि हाँ उसको बेबो को ही थोड़ा सा फैट बेबो को फैट है सिम्बा को नहीं क्योंकि बेबो दिखती है बिल्कुल स्लिम ट्रिम नहीं उसको पेट में थोड़ा फैट है उसने बोला कि पेट में उसका दिखाया भी तो पूरा ऐसा चब्बी है उसका फर है तो पता नहीं अभी फर थोड़ा सा सेव कर दिया ना वो उसका क्या जहाँ पे स्टिचेस लगे थे और जहाँ पे बेबो को थोड़े से शेव करा ना वहाँ से बेबोधियाँ गलना पिंक निकल रही पूरा पिंक और फैट है उस जगह पे। चलिए एनीवेज गाइस दोनों भी बहुत सुंदर बनाए हैं बट बेबो को कहते ना वो लड़की है तो उसको अति अति सुंदर बना उसके पिंक कलर के कान वो शेव जहाँ से करे वहाँ से पिंक कलर का पेट वो पिंक पे बिल्कुल पिंक बेबो विद व्हाइट फर है। डॉक्टर भी बोल रहे तो अलग ब्रीड है मतलब दोनों एक सेम माँ बाप से हैं तो अलग ब्रीड कैसे हो जाएंगे। पूर्वज कहीं से आए होंगे ना कहीं कहीं कोई कोई टांका बिड़ाया होगा पूर्वजों ने किसी ने तो कहीं मुंह काला किया ही होगा तभी जाके सफेद हुई है ये टर्किश अंगोरा है ना। हाँ वो उसे पहले डॉक्टर भी यही बोला कि ये टर्किश अंगोरा है और ये पर्शियन है। मैं कहा ना भाई ये तो एक ही माँ बाप के हैं भाई दोनों। चलिए गाइस फिर
फिर हो गया, मेरा भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया, डॉक्टर को दिखा लिया, थोड़ा तसल्ली भी हो गई हमें कि कुछ थोड़ा सा कुछ खिला दो भाई। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, अभी 4:10 हो रहे हैं, चलते हैं कुछ खाते हैं, शाम को कहीं और भी हमें जाने का प्लान है, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाती हूँ। मिलती हूँ आपसे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा मैं क्या ब्लॉग बना रही हूँ, इतनी धूप आ रही है मुंह पे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और बाय टुकू से बाय, सिम्बा बेबो से बाय। सिम्बा तो गुस्सा होगा, क्या लगा दिया मेरे सर पे फिर हेलमेट ताकि चाटे नहीं, चालान नहीं कट जाए कहीं सिम्बा का। बाय बाय।